शाक्स मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे को मन कर रहा कुछ तोड़ने के लिए। तेरे पास आ रहा भाई। Oh, it's a rage room. I get it. Oh no! Are you serious? People with anger management. Oh. Sharks, आपको भी ऐसा गुस्सा आता होगा ना? जब कोई सिग्नल दौड़ दे। जिसको आता था वो गया। Sorry. Sharks, आपको भी ऐसा गुस्सा आता होगा ना? जब कोई सिग्नल दौड़ दे। और बॉस पे फ्रस्ट्रेशन और शार्क टैंक पे डील हो रहा नहीं हो रहा, हम ये सारी इमोशन सप्रेस करके यानी अंदर दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से हम नुकसान होता है और मेंटल हेल्थ पर असर करता है। शार्क्स अब सोचिए, एक जैसा रूम हो, उधर आपका पूरा गुस्सा निकल होता, चीजों को तोड़ कर फोड़ कर लेग से किक कर फेंक कर, वही है द रेज रूम। अंदर के नमस्कारम शार्क्स, मैं हूँ सूरज पुसरला, मैं हैदराबाद से आया हूँ। रेज रूम में आप चीजों को तोड़ फोड़ के आपका गुस्सा निकल सकते हो बिना आपको ना किसी को भी चोट पहुंचाइए। रेज रूम में आपको बॉटल्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कंडीशनर सब मिलेंगे। और ये सारी आइटम्स इंतजार कर रहे हो आपका हल्क वाला रूप बनने के लिए। नाइस। दुनिया में रोड रेज, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स को रेज रूम थोड़ा कम करने के लिए चांस है। और रेज रूम अभी हैदराबाद में अवेलेबल है और हमारा रेजर्स ने 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तोड़े। हमारा विजन है कि इंडिया को एक स्ट्रेस फ्री कंट्री बनाना और लोगों को एक यादगार डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस देना। सो माय आस्क इज 20 लाख फॉर 30% इक्विटी। वाओ, ऑलराइट, चलो आस्क में तो गुस्सा नहीं दिलाया आपने। तो शार्क्स डील पक्की, वरना आत्या माजी नहीं नहीं वरना आप आके रेज रूम डेमो ले सकते हो। क्या सोचा है? It's crazy. और हमारे दिल्ली में तो बहुत जरूरत है भाई। Definitely sir, आज डील होने के बाद हम दिल्ली में फ्रेंचाइज करेंगे। Awesome. So, सूरज, very unique pitch और आप इतने sweet से gentle बच्चे लगते हो मुझे। तो really was curious to ask, ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपने ये बनाया? So, childhood से मेरे को थोड़ा short temperness, anger issues है, तो इसलिए मैं कुछ phones वगैरह तोड़ते। Oh wow. That always helped me to get feel better. So I thought it would help rest of the people as well. So that's the phone tod dete the. I'm using my 30th plus phone 30th? now. My so god. Lekin boss fir to problem solve nahi hui. You're still breaking things. It solved gradually. Acha. Otherwise it would have been 100 phones. Kuch counseling wara kiya? I did. Aur usse farak nahi pada, isse zyada maza aata. This helped better compared to that. For me personally, this helped better. But ये जर्मनी वगैरह में होते हैं, मैंने देखा था वहाँ पे एक वो कार्स होती है, तो कार्स को लोग जाके ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है, बट आई डिडंट नो दैट इट एग्जिस्ट। सो व्हेन आई गॉट दिस आइडिया, आई लिटरली वोक अप माय मॉम एट 2 AM इन द मॉर्निंग। माँ, मेरे को एक आइडिया आया, रेज रूम। मॉम ने क्या कहा? I was like, shut up and go to sleep. And typical mom. Next day, what happened? अगले मॉर्निंग मॉम वोक मी अप एंड वाज लाइक, अरे इन माय ड्रीम यू टोल्ड मी आई एम एन अमेजिंग आइडिया। आई वाज लाइक, हां मैं ही बोला वो। सो देन वी स्टार्टेड प्रीटी सून, लाइक वंस वी गॉट द आइडिया, 12-13 days we started construction. कब था ये? What year? Last October we started. Last October. 12-13 दिन में आपने शुरू ही कर दिया? Yes, 12-13 days. खाली बैठे थे, कोई काम नहीं? अच्छा, स्कूल के बाद खत्म किया था आपने? No, no, I'm 26. I have 5.5 years work experience. वो जॉब छोड़ के आपने किया ऐसे ही साथ? No, I'm still working. I head finance at an art tech company. You head finance? Yeah. Is that why you're so angry? Finance. No, my job. Company is pretty chill, but. Awesome. I think demo देखते हैं. तो आओ तोड़ते हैं, कुछ तोड़ो आप. Piyush and Aman, I think you guys need to have it out anyway. Let's do it. Let's go. Oh, let's see the jelly boy. Whoa! Oh, oh, yeah, he tore it. Oh, why, stop. Why, man, go far, why? भाई हमारे लिए कुछ छोड़ दे। Crazy. हो गया, बाहर आ जा।
बैठो बैठो चलो चलो मैं अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ. मैं अंदर गया, मैंने एक दो मारे, उसके बाद ना एंगर ऑटोमेटिकली ना थोड़ा और बढ़ रहा था, और मारना शुरू करा और एग्रेशन बढ़ रहा था. आई थिंक इट इज ऑल्सो नेगेटिव. बेसिकली द एग्रेशन व्हिच शी गॉट पेंटेड अप सिंस लॉन्ग. दैट्स इट. दैट इज अ बिट ट्रू. श्योर सर. आपके पास वीडियो है कोई फैसिलिटी का? आपके हाइड्रा वी हैव फ्यू पिक्चर्स. अरे अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है इसमें, मतलब नो सर, नॉट एट ऑल. बट हो सकता है ना. 100 नो सर. वी सो द सूट्स यू वोर देयर वी गिव अ मच थिकर सूट विद पैडिंग. आई एम जस्ट सेइंग यार ये बेसबॉल किसी को पड़ गया तो लगे. बट आई एम आल्सो जस्ट सेइंग कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है ना अंदर, फिर क्या करोगे. सो बिफोर दे गो एज वेल वी इन्फॉर्म देम एंड दे आल्सो साइन अ वेवर एज वेल. ये अलग ये क्या ये पे ये अलग तो दिस इज लाइक पेंट कॉल. नो नो दिस इज द स्प्लैश रूम. आई गेस आई फॉरगॉट टू से इन द बिट सॉरी. This is splash room. So for people who don't like to break things and all, so we have a room where you can throw paints, throw water, balloon paints. Why wasn't that your pitch? Sorry. You forgot. Lekin tell me something. Iske aur use cases kya hai besides removing anger? Ye sales training and all mein use kiya jata hai. We never tried corporate deals for now yet, but generally we thought like a team outing and all, they can plan it over here. Offsites. Offsite, team offsites and all. And also when we started Rage Room, we started promoting it as fun and frustration as well. So they play music, they literally vibe, they dance, they chill, they break and then they come out. So it's like a very good fun activity to do for them. And usually people, customers who come, they're like 50% anger, but and the rest are couples who come over for a date. What? And friends who come, like mom and daughter, they come. Not possible. We have a few customers who are 60 plus as well. Wow. Well, it's something new. Very interesting. Something novel. True. They want to try new things. Try and new all. Things. आप एक बात बताएंगे कि ratio of men is to women कितना होता है जो आके करते हैं? More women usually visit. Like 70% are women. What? One sec. What? Yeah. But is it proven that this helps reduce anger? Yes, I've read that it helps to reduce anger. He's personally also experienced it, right? And it's on my personal experience as well. My question is ki aisa outlet agar mile kisi ko aggression ka to uske baad baar baar ye aur jata hai because ye addiction bhi to hota hai, ho sakta hai na? Basically an instant relief kind of thing where you get that adrenaline rush. And when I've done research as well, I have not read anything as addictive anywhere. And also if a customer comes like 5-6 times in a month or something, we call our own therapist, we make them sit, give them a free 1-hour session and make them speak as well. So jab bacche video game khelte aur usme bahut violence hota hai, so that promotes violent behavior. I don't behavior. Think this is the same. But should we talk about your business? Kitne log aate hain? 200-250 a month. How much does each person pay? 650-800 to 1500. And what is your raw material cost? So we have multiple packages. So in each package, a crate is common. So crate pe they get bottles, keyboard, mouse, speaker and old telephone. So that crate costs us around 300-320 rupees. Which we kabadi wale se lato crate. We buy it from the recycling companies itself and we send it back for recycling after everything is done. What is your gross margin? Till now we have been doing like 1.5-1.6 lakh per month sale. Out of which our rent is 50,000 and raw material stock and everything goes for 35,000 to 40,000 and salaries go for 26,000. So aapka gross margin to 30% hi bacha. So for 1.5 lakh sale we'll have around 70,000-75,000 of gross margin. Okay, 50,000 rupees let's say. Yes. Aapko kaise laga ki aap ek part time business leke aa jaoge Shark Tank mein? So basically started this as a side hustle because even I have few commitments which I have to bear loans and all. So नहीं आपके perspective से absolutely, पर investor का perspective तो वही होगा ना कि आप इसको अपने दिन के few hours दे रहे हो क्योंकि आपकी daily job है. तभी तो वो 30% दे रहे हैं ताकि आप आके कर लो ना. अच्छा ये no sir. सूरज अच्छा है, different है थोड़ा, मैंने कभी देखा नहीं ऐसी चीज. आपने हमारे वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर का जो एनिमल होता है वो बाहर निकाला आज. बट थोड़ा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको करना है तो सीरियसली करो, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होगे तो हम कैसे सीरियस हो जाएंगे. अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ. सूरज मैं भी आउट हूँ और मैं आपको एक सीरियस फीडबैक देना चाहूंगी बिकॉज मेंटल हेल्थ इन ग्लोबली इज अ सीरियस इशू. आई एम ऑफ द फर्म बिलीव कि योगा, ब्रीदिंग, मेडिटेशन should be your first choice. अगर उससे आपका कुछ नहीं बने तो काउंसिलिंग.
We have to be responsible that we don't misguide the public. So, aap ise as an entertainment promote kijiye, I have no problem. But don't promote it as a solution to anger management and mental health, sure. please. Okay? Thank you. मुझे नहीं लगता कि इससे वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो सॉल्व हो रही है, वो शायद बढ़ सकती है. एंड विदाउट क्लियर इन लार्ज साइंटिफिक ट्रायल्स एंड स्टडीज, आई डोंट थिंक आई बिलीव इन द हाइपोथेसिस जो आप यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं इससे बाहर हूँ. ये सरासर जो आप कर रहे हो विदाउट डेटा विदाउट वैलिडेशन, ये बहुत गलत है. आई थिंक ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है एंड इट्स नॉट अ बिजनेस. तो इस वजह से हम सूरज प्रोवाइडेड देयर इज साइंटिफिक प्रूफ दिस इज अ गुड way to differentiate and get traction and break the clutter. Iske sath you will need a lot of side activities to make it a profitable business in case you want to do it. I don't think this is investable, to isliye main bahar hu. Okay, Suraj. Well done. Well done. Thank you. Okay, bye. Thank you.